हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से OTT कंटेंट के लिए नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। इसके तहत अश्लील भाषा और गाली गलौज को वैकल्पिक माध्यमों से दर्शाने के निर्देश दिए जाएंगे। क्या आप इस पहल से सहमत हैं? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। 800 की बजाय अब 125 रुपए में तय होगी 350 किलोमीटर की दूरी। छठ दिवाली से पहले रेलवे की बड़ी सौगात। इंडियन रेलवे लगातार अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। इसके साथ ही ट्रेनों की कमी का सामना कर रहे रेल रूट पर नई ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। भारतीय रेलवे ने साहिबगंज हावड़ा रेल रूट पर सफर करने वाले लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है। रेलवे ने इस रेल मार्ग पर इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। सड़क मार्ग से हावड़ा जाने में ज्यादा समय लगने के साथ ही ज्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। इंटरसिटी एक्सप्रेस की सर्विस शुरू हो जाने के बाद समय और धन दोनों की बचत होगी। रेलवे मंत्रालय ने इसके साथ ही अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव भी साहिबगंज जंक्शन पर देने के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया है। दीपावली और छठ के मौके पर घर जाने वालों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले दिनों साहिबगंज और हावड़ा के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। बता दें कि झारखंड को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाली यह ट्रेन रोजाना चलेगी। रेलवे मंत्रालय ने कहा कि इंटरसिटी एक्सप्रेस के शुरू हो जाने से साहिबगंज से हावड़ा आने जाने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी और अब 350 किलोमीटर की दूरी महज 125 रुपए में तय की जा सकेगी। बता दें आपको कि साहिबगंज से हावड़ा का किराया 125 रुपए रखा गया है। सड़क मार्ग से इस दूरी को पूरा करने के लिए आपको 700 से 800 रुपए खर्च करने होते हैं। ऐसे में इंटरसिटी ट्रेन का ऑपरेशन शुरू होने से लोगों का समय के साथ ही धन की भी बचत होगी। इसके अलावा आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की संभावना है। राजस्थान की भजलाल सरकार ने किया कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान, जान लीजिए कितना मिलेगा। राजस्थान की भजलाल सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का ऐलान कर दिया है। राजस्थान की सरकार के करीब 6 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। प्रत्येक कर्मचारी को अधिकतम 6,774 रुपए तदर्थ बोनस मिलेगा। बोनस के कारण राज्य सरकार पर लगभग 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। बोनस का लाभ पंचायत समिति और जिला परिषद कर्मचारियों को भी मिलेगा। बोनस की गणना अधिकतम परिलब्धियां 7,000 रुपए और 31 दिन के महीने के आधार पर की गई है। मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा ने राज्य कर्मचारियों को बोनस देने का अनुमोदन कर दिया है। राज्य सेवा के अधिकारियों को छोड़कर विशेष राज्य कर्मचारी जो कि राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षण वेतन नियम 2017 के पे मैट्रिक्स के लेवल L12 तथा ग्रेड पे 4800 और उससे कम में वेतन ले रहे हैं उन्हें वर्ष 2023-24 के लिए तदर्थ बोनस स्वीकार किया गया है। पीएम आवास में मिली सब्सिडी सरकार ले लेगी वापस, अगर नहीं रखा इन बातों का ध्यान। सरकार ने 9 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY का दूसरा चरण लॉन्च किया था। PMAY 2.0 एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS, निम्न आय वर्गों और मध्यम आय वर्ग के लोगों को घर खरीदने या बनाने में सहायता प्रदान करना है। लेकिन इस योजना के तहत सब्सिडी कुछ शर्तों पर वापस भी ली जा सकती है, जिसे लेकर अधिकांश लाभार्थी अनजान है। योजना के तहत दी जाने वाली ब्याज सब्सिडी कुछ स्थितियों में वापस भी ली जा सकती है। इसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं: अगर उधारकर्ता लोन का भुगतान नहीं कर पाता है और उसका खाता NPA हो जाता है, यदि सब्सिडी जारी होने के बाद भी घर का निर्माण किसी कारणवश से अटक जाता है, अगर उपयोग प्रमाण पत्र 1 वर्ष के भीतर जमा नहीं किया जाता है तो आपकी सब्सिडी वापस ली जा सकती है। NRI कोटे से MBBS सीटों में फ्रॉड एडमिशन, 100 करोड़ रुपए का खेल, सिंडिकेट को फायदा पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के नियम दरकिनार। बता दें कि छत्तीसगढ़ में NRI यानी अप्रवासी भारतीय कोटे की MBBS की सीटों में फ्रॉड प्रवेश का मामला सामने आया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए NRI छात्रों के स्थान पर अन्य छात्रों को नियमों के खिलाफ प्रवेश देने की शिकायत हुई है। जांच में 100 करोड़ से अधिक का प्रवेश फर्जीवाड़ा सामने आने की बात कही जा रही है। बता दें कि मेडिकल कॉलेजों में कुल मेडिकल सीटों का 15% NRI कोटे के लिए आरक्षित होता है। इसमें NRI कोटे के नाम पर चाचा, बुआ, नाना, नानी जैसे और अन्य दूर दराज के रिश्तों को फर्जी आधार बनाते हुए नीट में कम अंक वाले छात्रों को मोटी रकम लेकर सीटें आवंटित कर दी गई है।
24 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया था, जिसमें एनआरआई से रिश्तेदारी के नाम पर प्रवेश को कोर्ट ने साफ शब्दों में फ्रॉड कहा है और गलत ठहराया है। यह नियम पूरे देश में लागू हुआ है। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मामले को दबाते हुए 27 सितंबर 2024 से काउंसलिंग कराते हुए पुराने नियम से ही एमबीबीएस सीटों का आवंटन कराने की प्रक्रिया की है और शिकायत है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को फायदा पहुंचाने के लिए एक बड़ी लॉबी सिंडिकेट की तरह काम कर रही है, जिसके माध्यम से पूरे सिस्टम को गुमराह किया जा रहा है। सीटें खरीद फरोख्त कर करोड़ों रुपए के वारे न्यारे करने का भी खेल चल रहा है। हरियाणा में धान की खरीद जारी, अंबाला मंडी का दौरा कर एसीएस अंकुर गुप्ता ने की व्यवस्थाओं की समीक्षा। हरियाणा में धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, लेकिन सेलर मिलर्स एसोसिएशन की हड़ताल के कारण लिफ्टिंग प्रभावित हो रही थी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ सेलर मिलर्स एसोसिएशन की सफल बैठक के बाद स्थितियों में सुधार आया और अब अंबाला शहर की अनाज मंडी का दौरा करने पहुंचे एसीएस अंकुर गुप्ता ने मंडी की खरीद, उठान और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यूपी पुलिस का बड़ा जॉइंट ऑपरेशन, एनकाउंटर में मार गिराया 1.5 लाख का इनामी खतरनाक क्रिमिनल, 48 केस थे दर्ज। बता दें कि बुलंदशहर में पुलिस और एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जॉइंट ऑपरेशन में एक बड़े अपराधी का अंत हो गया है। राजेश नाम के ये 1.5 लाख का इनामी अपराधी एनकाउंटर के दौरान पुलिस की गोली से मारा गया। इस मुठभेड़ में आहार थाना प्रभारी YD शर्मा और एसओजी का एक सिपाही भी घायल हो गए हैं। राजेश बुलंदशहर और अलीगढ़ पुलिस के लिए एक सिरदर्द बन चुका था। उस पर लूट, डकैती, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट और अन्य गंभीर अपराधों के 48 मामले दर्ज थे। बुलंदशहर के आहार, अनूपशहर, डिबाई समेत कई थानों में राजेश नामी अपराधी के रूप में वांछित था। बुलंदशहर पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया था, जबकि अलीगढ़ पुलिस ने भी उस पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हेल्थ पर बवाल, कमला हैरिस ने ट्रंप पर साधा निशाना तो पूर्व प्रेसिडेंट ने दिया इसका जवाब। बता दें आपको कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए 5 नवंबर को वोटिंग होने वाले हैं। इधर राष्ट्रपति चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जुबानी जंग और भी बढ़ती जा रही है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार लगातार एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। दोनों की चुनावी रैलियों को देखें तो थकावट उनके चेहरों और आवाज से साफ पता चल रही है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों चुनावी रैलियों में काफी व्यस्त हैं और अभी हाल ही में चुनावी बहस दोनों की फिटनेस पर पहुंच गई है। कमला हैरिस लगातार ट्रंप के हेल्थ को लेकर हमला बोल रही हैं। आपको बता दें कि अगर ट्रंप चुनाव जीत जाते हैं तो उनके 2029 के में कार्यकाल खत्म होने तक अमेरिका के सबसे उम्रदराज वो राष्ट्रपति बन जाएंगे। और हाल ही में कमला हैरिस अपना मेडिकल रिपोर्ट जारी उन्होंने किया है और इसी साल जुलाई में सेना के कर्नल पोस्ट पर तैनात डॉक्टर जोशुआ सीमंस ने 2 पन्नों के मेडिकल रिपोर्ट में कहा है कि प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए कमला का स्वास्थ्य एकदम एक्सीलेंट है। अपनी हेल्थ रिपोर्ट जारी करने के बाद कमला हैरिस रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर अब हमलावर हो गई हैं। वह ट्रंप के हेल्थ से जुड़े हुए सवाल उठाने लगी हैं। कमला ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अमेरिका के वोटरों को ट्रंप की रैलियों के भाषण को देखना चाहिए, उनका दिमाग रूप से वो कमजोर होते जा रहे हैं। हाथ में सिगरेट लेडी पुलिस से बहस, खाकी के सामने करते रहे फूफू, दिग्विजय सिंह के भतीजे ने झाड़ा रौब, अब एफआईआर हुई दर्ज। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भतीजे आदित्य विक्रम सिंह के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आदित्य विक्रम सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा, जिसमें वीडियो में वे पुलिस कर्मी और महिला पुलिस अफसर के साथ कहासुनी करते हुए दिख रहे हैं। सिगरेट के धुएं का छल्ला बनाकर उन्होंने पुलिस अधिकारी पर छोड़ा। वह कांग्रेस के सीनियर लीडर लक्ष्मण सिंह के बेटे आदित्य सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि आदित्य सिंह पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि राघवगढ़ के थाना प्रभारी ने ही आदित्य विक्रम सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। बालाघाट में बड़ा हादसा, सर्चिंग पर निकले सीआरपीएफ जवानों की गाड़ी पलटी, एक की जान गई, 4 हुए घायल। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। दरअसल सर्चिंग के लिए निकले सीआरपीएफ के जवानों की गाड़ी अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक जवान की जान गई है तो वहीं 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल जवानों को फिलहाल इलाज के लिए गोंडिया लाया गया है। बताया जा रहा है कि सभी जवान नक्सल प्रभावित मछूरदा चौकी में पदस्थ थे। बिरसा थाना क्षेत्र के गर्रा टोला के पास यह हादसा हुआ है। सीतामढ़ी एसएफसी में चावल जमा नहीं करने वाले पैक्स पर होगी कार्रवाई, मिला ये पावर। बता दें कि बिहार के सीतामढ़ी जिले के ऐसे पैक्स व्यापार मंडल विभाग के शिकंजे से नहीं बच पाएंगे जो एसएफसी को शत प्रतिशत
CMR यानी चावल जमा नहीं करा सके हैं। सरकार की ओर से बार बार दी गई चेतावनी के बावजूद कई पैक्स अब तक चावल उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। इसको लेकर सीतामढ़ी DM रिची पांडे भी कई बार बैठकों में DCO को पैक्सों से CMR की वसूली का निर्देश दे चुके हैं। इसके बाद भी पैक्सों के यहां पर सैकड़ों MT CMR बाकी है। सहकारिता विभाग ने भी इन पैक्सों की लापरवाही से तंग आकर अब कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। विभाग ने CMR की वसूली को अब DM को उक्त हठी पैक्सों के खिलाफ कार्रवाई करने और इसके बाद भी CMR की आपूर्ति नहीं करने पर आपराधिक मामला दर्ज कराने की हरी झंडी दी है। तिरुपति विवाद के बाद बड़ा फैसला, बदला काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रसाद, अब ये कंपनी बनाएगी लड्डू। खबर है कि काशी विश्वनाथ धाम में अब नई व्यवस्था की शुरुआत की गई है। इस व्यवस्था के तहत अब विश्वनाथ के प्रांगण में चावल और आटे से बने हुए लड्डू भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। श्री काशी विश्वनाथ न्यास ने 10 महीने पहले अपना प्रसादम बनाने का ऐलान किया था। इस पर काम शुरू हुआ और विद्वानों की टीम शास्त्र सम्मत प्रसादम बनाने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए पुराणों का अध्ययन किया गया है, फिर आटे के चावल से प्रसादम बनाने का फैसला हुआ। विद्वानों के मुताबिक धान भारतीय फसल है, इसका जिक्र पुराणों में है और भगवान कृष्ण और सुदामा के संवाद में भी चावल का जिक्र है। विद्वानों का कहना है कि भगवान भोले शंकर को चावल के आटे का भोग लगता था, बेलपत्र का महत्व है, इसलिए बाबा विश्वनाथ को चढ़ने वाले बेलपत्र को जुटाया गया, फिर इसे धुलकर साफ कराया गया, सूखने के बाद बेलपत्र का चूर्ण बनाया गया और फिर इसे प्रसादम में मिलाया गया। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा का कहना है कि यह जिम्मेदारी न्यास परिषद द्वारा बनास डेयरी अमूल कंपनी को मिली है। कंपनी ने न्यास परिषद के नियमों के मुताबिक 10 दिन का प्रसादम बना दिया है और इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण संस्था से मंजूरी मिल चुकी है। इस तैयार प्रसाद की अब से मंदिर में बिक्री भी शुरू हो गई है। बाबा को भोग लगाए जाने के बाद यह प्रक्रिया शुरू की गई। यूपी के शहर में चलेगा अभियान, हटाए जाएंगे अवैध होर्डिंग और पोस्टर। बता दें कि गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा शहर में अवैध होर्डिंग और बैनर पोस्टर पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन ने तैयारी कर ली है। प्राधिकरण की तरफ से शहर को 3 जोनों में बांटा गया है, जिसमें ईस्ट और वेस्ट ग्रेटर नोएडा के साथ सेंट्रल जोन शामिल है। इस कार्य के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। हर जोन के लिए एक एक प्रबंधक नियुक्त किया गया है। दिवाली से पहले इस अभियान की शुरुआत की जाएगी और अवैध पोस्टर को चिन्हित कर हटाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना है और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। यूपी के शहर की तीसरी आंख से होगी निगरानी, 90 दिनों में लगाए जाएंगे 2739 CCTV कैमरे, जान लीजिए बजट। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर की सुरक्षा व्यवस्था अब और बेहतरीन होने जा रही है। इसको लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से एक खास योजना बनाई गई है और इस योजना के तहत आने वाले 90 दिनों में शहर के 350 प्रमुख स्थानों पर 2739 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों की मदद से ग्रेटर नोएडा के हर कोने पर पुलिस की अब नजर होगी। इस योजना से अपराध कम होगा और अन्य कई बड़े फायदे होंगे। बता दें कि ग्रेटर नोएडा की प्राधिकरण की तरफ से CCTV कैमरा लगाए जाने की योजना तैयार की गई है और इस योजना को लेकर 250 करोड़ रुपए का बजट भी पास किया गया है। प्राधिकरण का यह पहल इसलिए खास होगा क्योंकि शहर में अपराध कम हो जाएंगे, इसके साथ ही ट्रैफिक की समस्या से भी निजात मिलेगी। आपको बता दें कि इस CCTV कैमरे का कंट्रोल पुलिस के पास होगा, वहीं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की दूसरी बिल्डिंग में भी कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जहां पर 24 घंटे पुलिस और प्राधिकरण के अधिकारी निगरानी करेंगे। CCTV कैमरा की मदद से नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसानों के लिए आई खुशखबरी, उद्यान विभाग दे रहा है निशुल्क प्याज का बीज, बस करना होगा छोटा सा यह काम। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कन्नौज जिला उद्यान विभाग में रबी प्याज योजना के तहत किसानों को प्याज का निशुल्क बीज वितरण किया जाएगा। इसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इसमें किसानों को पहले आओ पहले पाओ के तहत लाभ मिलेगा। इसके लिए किसानों के पास खतौनी, बैंक पासबुक, आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जरूरी रहता है। किसान सीधे उद्यान विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में जाकर आवेदन देकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद कागजों की जाँच पड़ताल होने पर किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। किसानों को उच्च क्वालिटी का बीज निशुल्क मिलेगा। इस बीज से किसानों की फसल में अच्छी बढ़ोतरी की पूरी संभावना रहेगी।
पुलिस कस्टडी में युवक की जान गई, सिपाही बोला गलती हो गई। बीएसपी चीफ मायावती और चंद्रशेखर आजाद ने खोला मोर्चा। बता दें कि लखनऊ में पुलिस हिरासत में एक दलित युवक की जान जाने के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। यहां पर जुए के अड्डे पर दबिश देने के दौरान पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया था, इसके बाद उसकी जान चली गई। मृतक के परिवार वालों ने पुलिस पर पीट पीट कर मार डालने का आरोप लगाया है। मृतक की पत्नी का कहना है कि एक सिपाही ने माफी तक मांगी है। अब मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती से लेकर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी प्रतिक्रिया दी है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के विकास नगर थाना इलाके में जुआ खेलने के अड्डे पर छापेमारी के दौरान 24 साल के अमन, गौतम और सोनू नाम के युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया था और रात तकरीबन 11:30 बजे पुलिस ने जानकारी दी कि अमन की जान चली गई। यह सुनकर परिवार वाले बौखला उठे। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि अमन को पुलिस वालों ने बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। वहीं परिवार ने सिपाही शैलेंद्र सिंह पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक की पत्नी का कहना है कि सिपाही शैलेंद्र ने कहा था कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। यूं ही नहीं पटरी से उतरी बागमती एक्सप्रेस। एनआईए को शुरुआती जांच में मिले अहम सबूत, रेलवे ट्रैक से गायब मिले कई बोल्ट। बता दें कि तमिलनाडु के कावरा पेट्टई रेलवे स्टेशन पर मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस ट्रेन के खड़ी मालगाड़ी से टकराने के कुछ घंटों के बाद ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को संदेह है कि यह भीषण दुर्घटना रेलवे ट्रैक में तोड़फोड़ के कारण हुई होगी। शुरुआती जांच में पटरियों से बोल्ट और अन्य सामान गायब पाए गए हैं, इससे गड़बड़ी का संदेह पैदा हुआ है। इसके साथ ही माना जाता है कि हथौड़ों से ट्रैक को नुकसान पहुंचाया गया था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक जांच में आगे पता चला है कि 22 सितंबर को हुई पोन्नेरी घटना में भी ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला था, जब सिग्नल बॉक्स हटाए गए थे। गौरतलब है कि पोन्नेरी कवरापेट्टई रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना स्थल से महज लगभग 10 किलोमीटर ही दूर है। बागमती एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर शुक्रवार शाम को हुई, जब यात्री ट्रेन लूप लाइन में घुस गई और पहले से खड़ी मालगाड़ी के पीछे से टकरा गई, जिससे 19 यात्री घायल हो गए। बाबा सिद्दीकी को सलमान खान से करीबी की कीमत चुकानी पड़ी, दोनों शूटरों ने किया चौंकाने वाला खुलासा। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी और दशहरे के दिन बीच सड़क पर हुए इस हत्याकांड ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि आखिर बाबा सिद्दीकी की हत्या किस वजह से की गई, क्या बाबा सिद्दीकी को सलमान खान के करीबी होने की कीमत चुकानी पड़ी। दरअसल बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिद्दीकी को गोली मारने के आरोप में गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा किया है। इसमें से एक शूटर का नाम गुरमेल सिंह है, जो कि हरियाणा का रहने वाला है, वहीं दूसरा शूटर धर्मराज कश्यप यूपी से है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन दोनों गिरफ्तार शूटर्स ने दावा किया है कि वे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखते हैं। 1.5 से 2 महीने पहले ही उन्होंने बाबा सिद्दीकी के घर की रेकी की थी। आज का सुविचार, यदि एक बार गोता लगाने से मोती न मिले तो ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि समुद्र में रत्न नहीं होते। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।